किसी को महावीरता का प्रमाण पत्र नहीं मिला। एक बार की बात है, विजय हार रखा हुआ था, सभी देवता विराजमान हैं। देवताओं ने कहा ऐसा करो जो महावीर हो, बलशाली हो, बोले उसी के गले में ये विजय हार डाल दिया जाए। देवताओं ने कहा कौन? बोले इंद्र भगवान 33 करोड़ देवताओं के राजा हैं, वो तो इंद्र भगवान सबसे महान हैं, इंद्र भगवान के गले में जयमाल डाल दिया जाए। जैसे लोग डालने के लिए चले, चलो कोई बात नहीं है, सबसे बड़े हैं, महान हैं, इनके गले में विजय हार डाल दिया जाए। और जैसे डालने के लिए चले, लोगों ने कहा जरा ठहर जाओ, क्यों? बोले तुम इनके गले में जयमाल डालने के लिए जा रहे हो? वो राजा रावण का बेटा मेघनाद है, वो इंद्रजीत कहलाया। बोले इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए वो मेघनाद बलशाली है कि इंद्र बलशाली है? कहने लगे कोई बात नहीं है, चलो मेघनाद के गले में जयमाल डाल दिया जाए। लोग कहने लगे कोई बात नहीं है, चलो जयमाल डालते। आज विजय हार जैसे मेघनाथ के गले में डाला जाने लगा, लोगों ने कहा जरा रुक जाओ। बोले क्यों? हमारे तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि जो सत्संग कर और करे लक्ष्मण जी महाराज समाप्त कर देंगे मेघनाथ को, इसलिए लक्ष्मण जी के गले में जयमाल डाल दिया जाए, विजय हार दे दिया जाए। और जैसे लक्ष्मण जी के गले में डाला जाने लगा, लोगों ने कहा ये क्या करने के लिए जा रहे हो? बोले क्यों? बोले शेषावतारी लक्ष्मण जी हैं और शेष नाग पूरी पृथ्वी को धारण किए अपने फन पे है। बोले शेष नाग ज्यादा बलशाली है, महावीर है, प्रमाण पत्र भी को मिलना चाहिए। सब देवताओं ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और जैसे शेषनाग के गले में विजय हार डाला जाने लगा, लोगों ने कहा रुक जाइए। कहने लगे देवता रुक जाइए, डालिए, रुक जाइए, ये क्या बात है? कहने लगे रुको तो जरा, क्यों? बोले शेष भगवान की बात करते हो, वो तो शंकर भगवान की लंगोटी बने पड़े हैं, कानों में कुंडल, गले में सर्पों की माला। अरे वो शंकर भगवान है महावीर, महावीरता का प्रमाण पत्र मिलने के काबिल। बोले शंकर भगवान है? लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, सम्य बुजुर्ग में है, चाहो कोई बात नहीं है, इनके गले में जयमाल डाल दिया जाए। और आज जैसे शंकर भगवान के गले में जयमाल डाली जाने लगी, लोगों ने कहा रुक जाइए भैया, संभलो जरा, संभलो। क्यों भाई? अरे वो शंकर भगवान महावीर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कलाप नहीं। बोले क्यों? कहने लगे जिस कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती जी बैठी और शंकर भगवान बैठे, नंदी बैठा और गण बैठे, ऐसे कैलाश पर्वत को राजा रावण ने उठा लिया हो एकाएक, और राजा रावण महावीर हो सकता है प्रमाण पत्र पाने के लायक, कि शंकर भगवान हो सकते? लोगों ने कहा वो तो चला गया राक्षस के पास। कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, रावण के गले में डाला जाए, नीति के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए,
तो जैसे ही राजा रावण के गले में विजय हार डाला जाने लगा, लोगों ने कहा ठहरो, कहने लगे अब भी कोई गड़बड़ी है। हाँ अब भी गड़बड़ी है। बोले क्यों? लिखा बाबा ने, सुनो जरा, कि एक कहा तो सब कुछ अति और रहे बाल की काख। अरे वो रावण महावीरता का परिचय लेने के काबिल है प्रमाण पत्र। देखो कहने में संकोच नहीं होता है, राजा रावण बाली की कांत में 6 महीने दबारा, 1-2 महीने की कौन बात करे। रावण ने महावीरता का प्रमाण पत्र लेने के काबिल है। बोले फिर? बोले अब तो बाली के गले में डाल दिया जाए। कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, बाली के गले में प्रमाण पत्र डाल दो। और जैसे बाली के गले में प्रमाण पत्र डाला जाने लगा, लोगों ने कहा रुक जाओ भैया। बोले क्यों? बोले अब भी थोड़ी गड़बड़ी है। बोले राम जी वीर, भरत जी वीर, लक्ष्मण जी वीर गए नहीं। तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, क्या जरा सुनो, काबिल महावीरता का प्रमाण पत्र नहीं है। बोले फिर? बोले वो तो राम जी के गले में डाल दो, राम जी महावीर हो सकते हैं। आज तो भैया निर्णय हो गया, राम जी के गले में विजय हार डाला जाने लगा। कुछ लोगों ने फिर कहा रुको। बोले क्यों? राम जी वीर नहीं हो सकते। बोले वीर हैं लेकिन महावीर नहीं हो सकते। बोले कैसे? महावीर कौन हो सकता है? तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, जिसमें ऋषभ पर्वत ते हमारे पार्वन परमात्मा प्रभु राम जी और भैया लक्ष्मण जी विराजमान थे, तो हमारे अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज जी ने एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया, एक कंधे पर प्रभु राम जी को बिठाया। आहा, तुलसीदास जी महाराज जी की कलम चल गई। क्या कहा? कि वो न राम जी महावीर हो सकते हैं, न भरत जी महावीर हो सकते हैं, न शंकर भगवान, न राजा रावण, न बाली, न इंद्र, न वेदनाथ, कोई हो नहीं सकता। बोले कौन? तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि महावीर जो दोनों बंधु पे हमारे प्रभु राम जी को और भैया लक्ष्मण को बिठा ले, बोले वो महावीर हो सकता। वो कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। तभी बाबा की कर्म चल गई कि महावीर विनमो है माया ओ राम हो जासो जसो आप बताया। हनुमान जी महाराज जी महावीर हो सकते हैं। बताया हनुमान जी महाराज ने जो उपकार पार्वन परमात्मा के ऊपर किया है, जिस समय अयोध्या नगरी लौट करके प्रभु राम जी मैया सीता जी भैया लक्ष्मण जी आए, बोले सारी क्रियाएं हो जाती है, बड़े सुख चैन के साथ में चैन मंगल की बंसी बजने लगती है। हमारे हनुमान जी महाराज जी की जरा भक्ति देखिए, कैसी भक्ति करते हैं। प्रभु राम जी की सारी सेवाएं एक दिन की बात है बट जाती है। हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं, कहने लगे हनुमान जी हमारी सेवा कुछ नहीं रही है। सीता जी ने कहा वो तो सेवाएं सब बट चुकी हैं। हनुमान जी ने विचार किया, मेरे प्रभु को जब जमाई आएगी ना, अगर सेवाएं बट गई हैं कोई चिंता की बात नहीं, मैं चुटकी बजाऊंगा और मुख से राम राम कहूंगा। सीता जी ने कहा ऐसा करो, अब तो रात्रि की बेला है, अब तो बाहर चले जाओ। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, मैं
प्रभु की सेवा से वंचित रह जाऊंगा। आज बहनों के ऊपर बैठ जाते हैं और विचार करते हैं मैं अब चुटकी बजाना बंद ही नहीं करूंगा, पता नहीं मेरे स्वामी को कितने समय कितने भक्त जमा ही आ जाए। और याद रखना ऐसे हमारे प्रभु राम जी हैं, जिस समय रात्रि वेला में चुटकी बजा रहे हनुमान जी महाराज, प्रभु राम जी का आज मुख खुला का खुला रह जाता है। मैया सीता जी ने देखा, सीता जी कहने लगी सुनो प्रभु तुम्हें क्या हो गया है, प्रभु क्या हो गया है, मैया कौशल्या को बुलाया। मैया कौशल्या आई, बेटा राम को क्या हो गया है, मुखार बिंदु बंद नहीं हो रहा। सभी माताएं आ जाती हैं, मुखार बिंदु बंद नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा एक बात ये बताओ कोई सज्जन नाराज तो नहीं हुआ। मैया सीता जी कहने लगे सुनो हनुमान जी महाराज जी को हमने बाहर भेज दिया है। हनुमान जी को बुला करके लाया गया। हनुमान जी महाराज चुटकी बजाते हुए आए और उनका मुखार बिंदु बंद नहीं हुआ। कहने लगे आखिर कारण क्या है, इनका मुखार बिंदु बंद क्यों नहीं हो रहा है। जिस समय हमारे अनंत वंशी हनुमान जी महाराज आज भगवान के चरणों में गिरे हैं, चुटकी बजाना बंद हुआ है, प्रभु राम जी सरकार का मुख बंद हो गया, इसका नाम है भक्ति। जैसे मुख बंद हुआ पूछा गुरु वशिष्ठ जी ने आखिर ये बताओ तुम्हारा अभी तक मुख बंद क्यों नहीं हो रहा था। कहने लगे हैं प्रभु राम जी कहते हैं मेरा भक्त मेरी चिंता में चुटकी बजा रहा है, मेरा भक्त सो नहीं रहा है, तो मुझे कैसे नींद आती और मेरा मुख कैसे बंद होता। बताया जो मेरा ऐसा आनंद भक्त है और आज भी जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, बहुत से लोग कहने लग जाते हैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, परमात्मा को बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत कहो, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा हुआ करता है। जरा एक बार परमात्मा के बन करके तो देखो।